आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम गुनहगार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश में अपराधों का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम ऐसे आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर इंसानों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पुलिस भी इस पूरे मामले को देखकर कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार अपराधियों की प्रवृत्ति इतनी भयावह कैसे हो सकती है कि वो इस प्रकार के अपराधों को अंजाम दे सके। और ऐसी ही चुनिंदा खबरों को लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच और इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे अपराध की दुनिया की ऐसी वारदातें जो आपको भी झकझोर कर रख देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। पहला मामला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहराइच से है। कहते हैं पिता और पुत्री का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्तों में से एक होता है, लेकिन क्या हो जब एक पिता ही अपनी बेटी पर गंदी निगाहें जमा ले, क्या हो जब एक पिता ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बना ले। तो चलिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक बार फिर रिश्ते हुए तार तार, पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार, पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई FIR, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच से रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला सुजौली थाना क्षेत्र का है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को धमकी देकर अपनी हवस का शिकार बना रहा था। यहां तक कि कलयुगी पिता ने समाज को दिखाने के लिए अपनी नाबालिग बेटी की शादी तक करा दी थी, लेकिन बाद में वह उसे वापस अपने घर ले आया और लगातार 2 वर्षों तक उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देता रहा। ये इनका कृत्य ऐसा था, अक्षम्य था, एक पिता के द्वारा लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया गया था। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल थी, इस अपराध को गंभीर मानते हुए, विरलतम मानते हुए कोर्ट ने इसमें फांसी की सजा इसको दी। समाज में पिता और पुत्री के जो रिश्ता होता है उसको बहुत ही सम्मान और आदर से देखा जाता है। वो हो भी क्यों ना कि पिता ही अपने बच्चे को जन्मदाता होता है, उसका जन्म देने का अधिकार रखता है। और साथ ही साथ पर एक बात यह भी है कि जिस तरह से एक बात कही जाती है कि पिता पुत्री में अपना बचपन और माँ अपने पुत्र में अपना बचपन देखती है, पर कहीं कुछ ऐसे लोग पिता भी होते हैं जो इस रिश्ते को कलंकित करने में पीछे नजर नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को 2 साल तक डरा धमकाकर हवस का शिकार बनाया गया। पर जब इस घटना की जानकारी उसकी मां को हुई तो 25 अगस्त को उस पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। पर सबसे बड़ी बात यह है किस तरह का ये पिता था जिसने बेटी की जो मर्यादा है उसको कलंकित कर दिया, इस रिश्ते को तार तार कर दिया, जो अपने आप में एक अक्षम्य अपराध भी है। उसके पास लगातार उस पिता को गिरफ्तार करके अब सुनवाई चलते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है इस मामले में, जो कि महज 3 महीनों की सुनवाई में पूरा करके हुआ है। एक रात बच्ची की पुकार सुनकर उसकी माँ और भाई ने आरोपी पिता को रंगे हाथों पकड़ लिया और तब बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ को अपनी आप बीती सुनाई। वहीं मामले का खुलासा होने पर पीड़िता की मां ने अपने पति पर बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में 25 अगस्त को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं शिकायती पत्र पढ़कर पुलिस के होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्मी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी कर मामले की जाँच शुरू कर दी। ये मुकदमा चल रहा था पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट में, जनपद बहराइच के श्री नितिन कुमार पांडे साहब की कोर्ट में, राज्य बनाम नानूखा, थाना सुजौली का था। ये अपराध संख्या 122/21 थी और इसमें चार्ज बनाया गया था 376(3)
323, 506 और पाक्सो का 5P/6 पाक्सो एक्ट में। इसमें FIR दर्ज हुई थी 25/8/21 को FIR दर्ज हुई थी। इस FIR के दर्ज होने के बाद इसमें चार्ज बना इन धाराओं में और फिर इसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा साक्षी इसकी जो वादी मुकदमा थी पीड़िता की मुकदमा दर्ज कराया था इसकी माता द्वारा। इसमें इसका साक्षी इसका सगा भाई था, दो अन्य गवाह पड़ोसी थे और इसके बाद इस ट्रायल के बाद आज अदालत ने इनको सभी धाराओं में दोषी पा करके और 5P/6 में इनको आजीवन मृत्युदंड से दंडित किया। वही मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटना पर पॉक्सो एक्ट के कोर्ट ने 3 महीने सुनवाई पूरे करते हुए कलयुगी पिता को सजाए मौत की सजा सुनाते हुए फांसी के फंदे पर तब तक लटकाए जाने का निर्देश दिया जब तक उसकी मौत ना हो जाए। साथ ही कोर्ट ने बेटी को नए जीवन की शुरुआत करने के लिए नया नाम दिया है। तो इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जो आने वाले समय में इस तरह के रिश्तों को तार तार करने वालों के लिए एक नजीर बढ़ता नजर आएगा। इस ऐतिहासिक फैसले को देते हुए पॉक्सो कोर्ट ने पिता को, जो कलयुग पिता था, उसको मौत की सजा सुनाई है, जो कि एक बड़ा फैसला माना जाएगा। क्योंकि अगर पिता पुत्री के रिश्ते को ही कोई कलंकित करेगा तो कैसे कोई पिता पुत्री के रिश्ते को सम्मान और आदर से देख पाएगा। इस कलयुगी पिता के लिए जो अपराध था वो अक्षम्य था, इसलिए इसको जो सजा सुनाई गई है वो भी एक ऐतिहासिक और नजीर बनने वाली सजा साबित होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने वाला ये मामला बेहद ही चौंकाने वाला है। उम्मीद करना ये मुश्किल है कि कैसे एक पिता ही अपनी बेटी को इस प्रकार से हवस का शिकार बना ले। ऐसे में जिस तरह से ये घटना सामने आई है उससे अब कहीं ना कहीं खून के रिश्तों पर ही संदेह होने लगा है। तो ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की और बचाव करने की। फिलहाल चलिए रुख करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ। देश में बढ़ते अपराधों के बीच एक ऐसा अपराध है जो अब बेहद आम होता दिखाई दे रहा है। पुलिस लगातार किडनैपिंग जैसे मामलों पर रोकथाम लगाने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके अब तक इस अपराध पर रोक नहीं लग पा रही है। और ऐसा ही एक किडनैपिंग का मामला सामने आया है अलीगढ़ से, जहां पर एक मासूम बच्चे को पहले तो किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद पीड़ित परिजनों के घर पर आता है फिरौती भरा खत। उसके बाद क्या होता है जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किडनैपिंग का माया जाल, घर से गायब हुआ मासूम, फिरौती की चिट्ठी बनी मिस्ट्री, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। किडनैपिंग का ये मामला सामने आया है अलीगढ़ पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव भागीरथपुर से, जहां पर 11 वर्षीय बच्चे के घर से अचानक लापता होने की खबर सामने आई। वहीं पीड़ित परिवार ने बच्चे को खोजने की बहुत कोशिश की। वहीं जब बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला तो पीड़ित परिवार ने SSP कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई। लापता बच्चे के परिजनों का कहना है कि अपहरणकर्ता धमकी भरा पत्र भेजकर 4 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मेरा लड़का घर से खेत पर गया था तो वहाँ से गायब है। मैं खेती करता हूँ। किसान है? किसान। अच्छा, फिर मैं अपना पालन पोषण करता हूँ। पुलिस लड़का घर से खेत की तरफ गया था, वहाँ एक समान हो मतलब अलीगढ़ और बुलंदशहर के बीच वहाँ कुकी खड़ी थी, क्योंकि कुकी के पास ही था वो, वहाँ से उठा गया। मैं खेत में काम कर रहा था, उसने एक आध आवाज़ मारी थी मेरे लिए, मैं पापा घर को चले जाओ, यार फट डाल दिए, घर बांध दिए, मेरे पास तक आवाज़ नहीं पहुँची। उसमें बारिश हो गई थी और बाजरा में
खड़ा हुआ मेरे तो किसी को सब हाथ खाने में भाई एक धोती का लेटर आया था मेरे दरवाजे का उसमें लिखा था गुजरात का पता था उसमें गुजरात में करीमनगर और 149 नंबर करीमनगर और पैसे मांग रहा था उसमें 4 लाख रुपये लड़का छोड़ रहा था हमारा पता से। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर भागीरथपुर में रहने वाला परिवार अपने खेत में काम करने के लिए निकला था और उनका 11 वर्षीय किशोर घर में अकेला था। वहीं खेत का काम खत्म करने के बाद परिजन जब घर पहुंचे तो 11 वर्षीय मासूम अजय घर से गायब था। परिजनों ने अपने आसपास मासूम को तलाशने की बहुत कोशिश की पर मासूम का कोई भी सुराग नहीं मिला। उसके बाद परिजनों ने सगे संबंधियों को फोन करके भी पूछताछ की लेकिन गायब अजय का कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। वहीं अचानक घटना के 3 दिन बाद पीड़ित परिवार के घर के दरवाजे पर एक पर्चा बरामद हुआ जिसमें दर्शाया गया कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है। पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा सही है और बिना किसी चालाकी किए 4 लाख रुपए बलूपुर नगर के घर नंबर 11/9 में लेकर पहुंच जाएं। वही पैसे लेकर सिर्फ एक ही शख्स आए और अगर जरा सी भी चालाकी की गई तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। वही धमकी भरे खत को देखकर पीड़ित परिजन काफी डर गए। तत्काल पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री के नाम एक प्रार्थना पत्र SSP अलीगढ़ को भी सौंपा। वहीं पत्र प्राप्त होने के बाद SSP कलानिधि नैथानी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब बच्चे की किस प्रकार से बरामदगी हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर जिस तरह इसका ये मामला प्रकाश में आया है उससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। किडनैपिंग के इस मामले ने साफ कर दिया है कि अपराधी चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसे में आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अपना और अपने परिवार वालों का खास ख्याल रखें ताकि आपका परिवार ऐसे खतरनाक किडनैपर से बचकर रह सके। तो चलिए रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक वक्त था जब मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। 3 तलाक के बोझ तले उन्हें दबाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस पर बैन लगा दिया। बावजूद इसके आज भी 3 तलाक देने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हम अगली खबर जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो 3 तलाक से ही जुड़ी हुई है। सुल्तानपुर से यह मामला सामने आया है जहां पर एक मुस्लिम समुदाय की महिला को पहले तो 3 तलाक दिया गया और उसके बाद ससुराल वालों ने उसको प्रताड़ित किया। देखिए रिपोर्ट। जी, मेरी शादी हुई थी 4 जुलाई को और जो है मतलब मेरी बुआ के बेटे के साथ ही हुई थी, तो जो है वो मतलब उनका अफेयर कहीं और था, वो शादी मतलब जो भी रहा होगा उनका, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पता थी तो हमने शादी के लिए मना कर दिया था। तो मतलब खुशी थी मेरी, तो उन्होंने मतलब प्रेशर किया अम्मी पे, तो अम्मी मतलब मान गई तो शादी मेरी हो गई। उसके बाद मतलब शादी के तुरंत बाद से ही जहेज को लेकर मतलब ये सब चीज़ें वो लोग ताना देते रहे, बदतमीज़ी करते रहे, मतलब पूरे घर भर उनको परेशान करते रहे। लेकिन मतलब हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि पापा है नहीं मेरे, भाई है मेरे, इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। रो रो कर अपनी आप बीती सुना रही इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने परिवार की पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, जिसके बाद आरोपी पति ने न सिर्फ पीड़िता को 3 तलाक दिया बल्कि दहेज के लालच में पीड़िता का जमकर शोषण भी किया गया। ये मामला सामने आया है सुल्तानपुर से, जहां गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तियरी गांव में रहने वाली एक युवती को उसकी बुआ ने अपने बेटे मुगीज अहमद से निकाह करने का
प्रस्ताव भेजा, लेकिन मुगीज अहमद की हरकतों की वजह से पीड़िता ने साफ तौर पर निकाह करने से मना कर दिया। लेकिन परिवार और रिश्तेदारों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीते 4 जुलाई को युवती और मुगीज का निकाह बड़े ही धूमधाम के साथ करा दिया गया। लेकिन निकाह के बाद से ही युवती को उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं शादी के कुछ वक्त बाद पीड़िता को मुगीज का किसी और युवती से प्रेम प्रसंग के बारे में भी पता चल गया, जिसके बाद कई बार पीड़िता ने इसका विरोध किया, लेकिन पीड़िता पर ससुराल वालों का अत्याचार बढ़ता चला गया। इसी बीच बीते 23 सितंबर को परिवार के सामने ही मुगीज ने युवती को 3 तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती अपने मायके चली गई। लेकिन फिर भी परिवार के दबाव में आकर पुलिस से मामले की शिकायत करने पीड़िता नहीं पहुंची, पर उसे क्या पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। इसी बीच 14 नवंबर को पति मुगीज अपने परिवार वालों के साथ युवती के घर पहुंचा और अपने छोटे भाई से निकाह करने का दबाव बनाने लगा। वहीं जब पीड़ित युवती और उसके परिवार वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो आरोपी पति मुगीज ने पीड़ित युवती और उसके घर वालों की जमकर पिटाई की और जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद पानी सर के ऊपर जाता देख पीड़िता से रहा नहीं गया और पीड़िता ने गोसाईगंज थाने में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मतलब कहने लगे कि अपने भाई के साथ, मतलब जो भी चीजें बोली तो कहा कि अगर घर की बात घर में रह जाएगी, मेरी बात मानो। तो हमने जब, मतलब ये लोग पैसे वाले हैं तो इनको मतलब कोई किसी तरह का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता, तो हमने जब वो चीज़ मना की तो हमें मारा और मारने के बाद हमें तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद जो है मेरे घर में फ़ोन किए, अब भाई आए, फिर हम अपने घर चले आए। घर आने के बाद भी मतलब कि अगर कोई एक्शन लेंगे तो ये लोग जाके मतलब जान से मार देंगे मेरी अम्मी को, मेरे भाई को, लगातार बदतमीज़ी करते रहे। तो अम्मी ने मना कर दिया, तो मतलब हम लोग ने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद भी ये लोग परेशान करते रहे, जगह जगह बैठकर गलत बातें, गलत चीज़ें सब कहते रहे। उसके बाद 14 तारीख को सुबह मतलब पहले मैसेज किया, हाँ मेरे पास मैसेज भी है कि मतलब घर में घुस के कैसे मारते हैं, आज बताएंगे, आज तुम्हें पता चल जाएगा। तो हमेशा ये लोग धमकी देते थे, बदतमीज़ी करते थे, तो इतना सीरियस चीज़ें नहीं ली। उसके बाद रात में 9 बजे ये आए घर पे, मतलब गाली वाली देने लगे और दरवाज़ा पे ईंटें मारने लगे, मतलब पत्थर बहुत ज़्यादा। तो भाई ने जब दरवाज़ा खोला तो उनको पकड़ के मतलब मारने लगे, और मेरी अम्मी और अप्पी जो है गई उनको पकड़ने, मतलब भाई को बचाने के लिए। तो उनका जो छोटा भाई है वो घर के अंदर आ गया और वो मारने लगा, मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। हैरानी की बात है कि पीड़िता के पास आरोपी परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत है, बावजूद इसके पुलिस की तरफ से मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़िता का सब्र का बांध टूटता चला गया। एक तरफ जहां उसे जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही थी। ऐसे में पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई, जहां पर पुलिस अधीक्षक से उसने न्याय की गुहार लगाई। थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तियरी मछरौली की निवासी श्रीमती लाइबा लईक पुत्री स्वर्गीय लईक अहमद के द्वारा अपने ससुराली जनों पर प्रताड़ित करने का तथा पति के ऊपर जो है मानसिक दबाव तथा अन्य तरह की प्रताड़नाएं देने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में उनकी तहरीर पर जांच करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने उसे न्याय संगत कार्यवाही करने का आश्वासन दे दिया है। उनकी माने तो मामले की जांच फिलहाल जारी है और उसके बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल मामला अभी जांच के घेरे में है, पर जिस तरह से महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस की लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है, उससे कहीं न कहीं लोगों के मन में डर का माहौल है। ऐसे में हम सबके लिए जरूरी है कि हम अपना हर एक कदम सोच समझ कर रखें और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के बेहतर कल की बात तो तमाम की जाती है, पर हकीकत कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। सुल्तानपुर से जिस तरह का मामला सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक खास एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको जुर्म की दुनिया की और घटनाओं से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।